गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 10, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। सबसे पहले आप देखिए फ्लूइड किसे बोलते हैं। सब्सटेंस दैट कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड। कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसे फ्लूइड कहते हैं। जैसे एयर है, लिक्विड है, ये फ्लो कर सकते हैं। एयर तो हर डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, लिक्विड हायर लेवल से लोअर लेवल की तरह फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज फ्लो कर सकती है वो है फ्लूइड। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर। यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगेगा उसे प्रेशर बोलेंगे। एयर भी प्रेशर लगाती है, फ्लूइड भी प्रेशर लगा रहे हैं, है ना। इसकी डायमेंशन फॉर्मूला होता है ML-1 T-2। ऐसे यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। इसकी कॉमन यूनिट है प्रेशर की ATM, एटमोस्फेरिक प्रेशर। 1 ATM का मतलब होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल। पास्कल का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, मतलब एयर जो है पर मीटर स्क्वायर पर इतना फोर्स लगाती है। दिस इज प्रेशर, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ये आपका लेटेस्ट 2020-21 के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। जो भी डिलीटेड पोर्शन है वो हटाया गया है, वो आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया गया था डिलीटेड पोर्शन, तो वहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। चैप्टर के अंदर लेटेस्ट CBSE गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी है सिलेबस में वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो हो सकता है बुक खोल के देखें तो कुछ एक पॉइंट आपको मिसिंग दिखें, तो वो इसी कारण से हो सकता है कि इस साल का जो लेटेस्ट सिलेबस की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, इसको डी या रो, जनरली रो सिंबल से शो करते हैं या डी से भी कर देते हैं। मास कितना ऑक्यूपाई कर रहा है कोई सब्सटेंस इन यूनिट वॉल्यूम, इस कॉल इट्स डेंसिटी। मास, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला देखे तो ML-3, ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पर सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है, 1.0 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या ग्राम में बोले तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, किसी एक सब्सटेंस की डेंसिटी को दूसरी सब्सटेंस की डेंसिटी से कंपेयर करें, इसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, और जनरली पानी के साथ ही कंपेयर करा जाता है। तो डेंसिटी 2 को क्या रख रहे हैं, वाटर की डेंसिटी 1000। अगर किसी की भी डेंसिटी, अच्छा वाटर को वाटर के साथ ही कंपेयर करें, ऊपर भी वाटर की डेंसिटी रख दें नीचे भी वाटर की, तो आंसर क्या मिलेगा, 1। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। अगर किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा है, मतलब वाटर से ज़्यादा है, तो पानी में सिंक हो जाएगा, और 1 से कम है तो फ्लोट करेगा। देख लें अच्छे से इस टॉपिक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। क्या वेरिएशन आएगा, देखो यहाँ पर प्रेशर होगा, यहाँ पर प्रेशर होगा, तो ये इतनी गहराई पे गए तो प्रेशर में क्या डिफरेंस आया वो निकालना है अपन को, डेल्टा पी निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालें, देखिएगा फोर्स 1, ये जो फर्स्ट सरफेस है इस पर जो फोर्स लगा रहा है, वाटर लगा रहा है, इसको लिख देंगे प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन खाली इस यहाँ पे पड़े हुए पार्टिकल पर ऊपर का पानी ही फोर्स नहीं लगा रहा, नीचे की ग्रेविटी भी फोर्स लगा रही है, तो उसको mg नाम दे रखा है। तो कुल मिला के फर्स्ट पॉइंट पर टोटल फोर्स कितना हो गया, प्रेशर इनटू एरिया प्लस mg। ऐसी फोर्स ऑन सेकंड, ये सेकंड पार्ट है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, अब ये लिक्विड रेस्ट में है,
रेस्ट में है मतलब ये पार्टिकल यहाँ पर ही है, ये यहाँ पर ही है, मतलब नेट फोर्स कितना? जीरो। मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बराबर है कहने का मतलब। ठीक है, तो एफ वन एम जी इज इक्वल टू एफ वन प्लस एम जी इक्वल टू पी टू इंटू ए, इस तरह से इक्वेशन बना दी। ठीक है, फोर्स वन को लिख दिया, प्रेशर वन इंटू एरिया, मास इंटू जी, जी को तो जी लिख दिया, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये डी लिख दो या रो लिख दो, वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट लिख दिया, माइनस पी टू ए बराबर जीरो। देख लें अच्छे से यहाँ तक। अब इसी को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है अपन को, तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये अपन को रिजल्ट मिलेगा, पी टू माइनस पी वन इक्वल्स टू एच रो जी। अगर मान लेंगे फर्स्ट पॉइंट ऊपर ही शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पर एयर फोर्स लगा रही है, तो पी वन को क्या लिख देंगे? पी ए। अगर माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा पी ए। ठीक है, तो ये फ्लूड का जो प्रेशर है और उसमें से एयर का प्रेशर हटा दें तो इसे बोलते हैं गेज प्रेशर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? गेज प्रेशर। तो आ गया होगा समझ में, एक बार फिर से देख लें, फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, और अगर ये समझ में नहीं आता तो और अलग ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, ये भी देख लें एक बार। अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर भी प्रेशर लगाती है। मान लो अपने मरकरी भर दिया एक कंटेनर में, एक ट्यूब लगा दी, ये मरकरी है इसमें, अब एयर प्रेशर लगाएगी तो मरकरी का लेवल ऊपर राइज होगा इस ट्यूब में, कितनी हाइट पर राइज हो गया उससे प्रेशर निकाल लेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी, डी भी लिख सकते हैं रो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये 1 atm प्रेशर की बात करें तो उस केस में एच की वैल्यू होगी 76 सेंटीमीटर, करके देखा प्रैक्टिकली ऐसे ही था, ये 760 मिलीमीटर। आगे ऑफ एच जी लिख देते हैं, है ना, एच जी की हाइट बड़ी ना, तो 1 atm मतलब ये आंसर कब आएगा? जब मरकरी की हाइट इतनी हो जाए, तो मरकरी हाइट इतनी हो जाएगी तो उस प्रेशर को 1 atm बोलते हैं, ये टॉरिसोली ने डिस्कवर करा था। अच्छा, 1 मिलीमीटर जब ऊपर चढ़ेगी तो उसे 1 torr नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, 1 torr में 133 पास्कल होते हैं, याद करना है। ऐसे एक यूनिट और है बार, ये भी प्रेशर की यूनिट है, इसमें होते हैं 10^5 पास्कल, ये भी आपको याद कर लेना है। देख लें अच्छे से, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्यूब की बात करते हैं, इसे मैनोमीटर कहते हैं, ये बहुत कम प्रेशर को नापने की डिवाइस है। यहाँ पर वही मरकरी भरा हुआ है, अब यहाँ पे कोई गैस भर दी जाएगी कैलकुलेटेड अमाउंट, और ये वाल्व खोल दिया जाएगा तो वो गैस इस पर प्रेशर लगाएगी जिससे यहाँ से मरकरी ऊपर राइज हो जाएगी। कितनी हाइट पर ऊपर चढ़ गई वो देख लें, फिर प्रेशर का फॉर्मूला लगा दें एच रो जी, जहाँ पर रो है मरकरी की डेंसिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक मशीन ऐसी डिवाइसेस होती है जो प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज़ करती है। जैसे मान लीजिए अपने पास एक ही है, इस तरह से कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये एरिया, ये इसका एरिया, ये इसका एरिया। ठीक है, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट, यहाँ पर लगा दो सपोज करो एक्सटर्नल प्रेशर, तो उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी फील होगा, उतना ही यहाँ पर भी फील होगा, मतलब पर यूनिट एरिया पर उतना ही फोर्स लगेगा, क्योंकि तुम वहाँ से इतना फोर्स लगा रहे हो तो इधर भी इतना ही फोर्स लगेगा। ठीक है, ऐसा इसको बोलते पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या बोलता है? कि हर तरफ इक्वल प्रेशर लगेगा, एक तरफ प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हर तरफ इक्वल प्रेशर लगेगा, प्रेशर मतलब यूनिट एरिया पे फोर्स। तो इसी बेस पर ये काम कर रही है हाइड्रोलिक मशीन, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसमें इस रीजन में एक स्मॉल एरिया होता है और इधर बड़ा एरिया होता है। यहाँ पर सपोज करिए अपन ने एक
कार रख दी, ठीक है, मान लीजिए कार है, सर्विस सेंटर है, उसको लिफ्ट करना है, तो यहाँ एरिया बड़ा है, हम यहाँ से लगाना चालू करते हैं फोर्स, मतलब प्रेशर देते हैं, तो जितना प्रेशर यहाँ देंगे उतना ही यहाँ पर भी फील होगा, प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया बोलते हैं। तो फोर्स ऑन सेकंड फेस कितना फील होगा, फोर्स 1 × एरिया 1 × A2, कहने का मतलब यहाँ पर ज़्यादा फोर्स फील होगा क्योंकि इसके यूनिट एरिया बहुत सारा एरिया है ना, तो यूनिट एरिया पर कुछ फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे भी यूनिट एरिया, यहाँ भी यूनिट एरिया, इतने सारे यूनिट एरिया तो सब पे फोर्स लगेगा, तो अल्टीमेटली टोटल सम बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा और ये लिफ्ट हो जाएगी। कितना फोर्स लगेगा उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर देख सकते हैं, इतना लगेगा जितना वहाँ पर लग रहा है इंटू उसका एरिया। और ऐसे ये ब्रेक सिस्टम भी देखें, ये यहाँ पर ये गाड़ी के ब्रेक हैं, यहाँ ब्रेक लिक्विड भरा रहता है, ये पिस्टन है, यहाँ से जब ब्रेक को दबाएंगे तो ये फ्लूड जाएगा, और यहाँ पर ये ड्रम है, इसमें जो पिस्टन है उन पर फोर्स लगाएगा, इससे पिस्टन पीछे खिसकेंगे। यहाँ पर एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है, ये अपने व्हील का ड्रम है, ठीक है, इस प्लेट को बोलते हैं ब्रेक शू। जब आप इसको दबाएंगे ये पिस्टन पीछे जाएगा, मान लीजिए ये पीछे चले गया, तो उसके प्रेशर से क्या होगा, उसके फोर्स से क्या होगा, ये जो स्ट्रिप्स दिख रही है आपको ब्रेक शू कहते हैं, ये ब्रॉड होगी, वाइड होगी, और जाके ड्रम से चिपकेगी और ड्रम को रोक देगी, व्हील रुक जाएगा। जब यहाँ से ब्रेक लगाना बंद करेंगे तो ये स्प्रिंग जो है वापस से इसको स्ट्रिप्स को, मेटलिक स्ट्रिप्स को खींच के पीछे ले आएगी और ड्रम फ्री हो जाएगा घूमने के लिए। ये हाइड्रोलिक ब्रेक का सिस्टम है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लूड डायनेमिक्स, स्टडी ऑफ फ्लूड इन मोशन, फ्लूड जब मोशन में है तो उसकी स्टडी को फ्लूड डायनेमिक्स कहते हैं। एक बार इतना वापस समझ लेते हैं जो जो पढ़ा है, कोई भी चीज़ जो फ्लो करती है उसे फ्लूड कहते हैं। प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है यूनिट एरिया पे उसे प्रेशर कहते हैं, इसकी डायमेंशन है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, 180 मतलब 1.013 × 10⁵ पास्कल। डेंसिटी ये क्या चीज़ होती है, मास कितना ऑक्यूपाइड है पर यूनिट वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस, इतनी वैल्यू होती है। रिलेटिव डेंसिटी, 9th में पढ़ लिया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर को वाटर से कंपेयर करेंगे तो आंसर 1 आएगा, किसी का आंसर 1 से ज़्यादा आएगा तो वो सब्सटेंस सिंक हो जाएगा, किसी का 1 से कम आएगा तो वो फ्लोट करेगा। ये प्रेशर चेंज होता रहता है गहराई के साथ साथ, ठीक है, डेप्थ चेंज होगी तो प्रेशर भी चेंज होगा। अब ये वेरिएशन ऑफ प्रेशर को एक तरीके से और करके दिखा देते हैं, अगर ये समझ में नहीं आया तो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर मतलब डेल्टा पी, ठीक है, ये हो जाएगा वेरिएशन ऑफ फोर्स अपॉन एरिया, एरिया तो वेरिएशन हो नहीं रहा, एरिया तो उतना का उतना ही है, फोर्स को F2 − F1 लिख दें, ठीक है, फोर्स को लिख दें mg, एक को लिख दें m′g, एक को लिख दें mg। अब क्या कॉमन दिख रहा है आपको, g कॉमन दिख रहा है, उसको निकाल दें बाहर, m′ − m, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को v′ लिख दें, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम v लिख दें अपॉन एरिया, ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी भी बाहर निकाल दें। ये जगह जी रो डेल्टा पी के बराबर आ रहा है, जो भी आ रहा है,
ए नीचे है ही, वी डैश माइनस वी, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, एरिया कॉमन निकाल के कट जाएगा, एच टू माइनस एच वन को एच भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू एच रो जी हो गया। देखो इस तरह से भी डिराइव, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक ही चीज़ को अलग अलग तरह से डिराइव कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट पकड़ो और अपना खुद का दिमाग लगाते जाओ, नहीं आए तो वापस पूछना। तो प्रेशर का वेरिएशन कितना हुआ, एक हाइट से दूसरी हाइट पर गए तो कितना आया, एच रो जी। ये आया, चलो ये जो प्रेशर लगाती है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, कितना लगाती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब 1.013 × 10^5 पास्कल। अगर मरकरी पर ये प्रेशर लगा रही है और बैरोमीटर अपने नाम पास डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम बैरोमीटर है, तो मरकरी का कितना हीट चढ़ जाएगा, 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, ऐसे भी बोल सकते हो। मरकरी के लिए एच जी वर्ड काम आता है। इसके बाद क्या सिखाया, प्रेशर इक्वलेंट टू 1 मिलीमीटर को क्या बोलते हैं, 1 टॉर्क, 1 टॉर्क में 133 पास्कल होते हैं, 1 bar में 10^5 पास्कल होते हैं। ये डिवाइस का नाम क्या बताया, मैनोमीटर, इसमें गैस फिल कर देंगे, प्रेशर लगाएगी, हाइट में वेरिएशन आएगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा एच रो जी। हाइड्रोलिक मशीन ये प्रेशर के वेरिएशन पे काम करती है, यहाँ प्रेशर लगाएंगे तो उतना ही प्रेशर यहाँ पर फील होगा, उतना ही प्रेशर यहाँ पर फील होगा, यूनिट एरिया पे तो उतना ही फोर्स फील होगा, पास्कल का लॉ है ये। कॉन्सेप्ट कहाँ पे काम आ रहा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में काम आ रहा है, ब्रेक में काम आ रहा है, लिफ्ट में यहाँ से फोर्स लगाया और यहाँ से राइज हो गई लिफ्ट, यहाँ एरिया कम रखते हैं ताकि यहाँ पर फोर्स ज़्यादा फील हो, क्योंकि जितना प्रेशर यहाँ लग रहा है उतना ही यहाँ पर भी लगेगा, तो उतना ही प्रेशर लगने के लिए यहाँ पर फोर्स को ज़्यादा होना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, अपने आप समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये। ब्रेक में क्या होता है, यहाँ से ब्रेक लगाया, यहाँ से धक्का लगेगा, यहाँ से धक्का इधर जाएगा, इधर धक्का लगेगा, इधर धक्का लगेगा, ये चीज़ इधर आएगी, ये चीज़ इधर आएगी, और ड्रम से चिपकेगी और ड्रम रुक जाएगा, स्प्रिंग वापस से बैक लाने का काम करती है इन स्ट्रिप्स को। फ्लूड डायनेमिक्स, फ्लूड मोशन में है उसकी स्टडी करना, फ्लूड डायनेमिक्स, स्टडी ऑफ फ्लूड इन मोशन। स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो देखें क्या होता है, जब कोई फ्लूड फ्लो कर रहा है और बिल्कुल हर पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है ए पॉइंट, यहाँ से जब भी निकलेगा तो एक ही वेलोसिटी से निकले, चाहे पहला पार्टिकल निकले, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, ठीक है, तो ऐसे फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, और ये पाथ जो होता है, रास्ता जो है इस फ्लो का, जहाँ पर हर पॉइंट पर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट बनी हुई है, इस पाथ को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। वापस एक बार फिर से समझाया था, स्ट्रीमलाइन फ्लो, जब लिक्विड शांत गति से बह रहा है, आराम से बह रहा है, तो समझ जाओ कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ऐसे फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, ठीक है। और एक और होता है टर्बुलेंट फ्लो, जैसे समुद्र के पानी में फ्लो देखा होगा आपने, इतना उछलता है पानी, झाग भी दिखते हैं, बबल्स भी दिखते हैं, इतनी ऊंची ऊंची लहरें आती है ना, तो इसे बोलते हैं टर्बुलेंट, जिसमें शांत गति से नहीं बह रहा, हर पॉइंट पर अलग हो सकती है वेलोसिटी टाइम के साथ साथ, तो बहुत सारे पार्टिकल आपस में टकरा रहे होंगे और इसके कारण जंपिंग इफेक्ट भी आ रहा होगा। अपन सीखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मान लीजिए कोई लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है, कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, स्टेडी फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए एक इक्वेशन बना रहे हैं। देखिएगा, जितना मास इस एरिया में से आएगा पर सेकंड, उतना ही यहाँ से भी निकलेगा पर सेकंड, तेज़ी से निकलना पड़ेगा, वो बात अलग है। ऐसा तुमने घर पे कभी गार्डन में पानी दिया हो तो पाइप को आगे से माउथ छोटा कर दिया तो आगे से तेज़ धार निकलती, देखा होगा, तो जितना एंटर होगा उतना ही एग्जिट होगा, ये लॉ है, नहीं तो यहाँ फट जाएगी ट्यूब भी, अगर ऐसा नहीं होता तो।
तो मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम थ्रू अक्रॉस सेक्शन इक्वल्स टू शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ फ्लूइड एग्जिट थ्रू अनदर क्रॉस सेक्शन, तभी ये फ्लो स्ट्रीमलाइन कहलाएगा। तो मास जो ए से निकल रहा है पर सेकंड वही बी से भी निकल रहा है। मास को लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पर सेकंड, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पर सेकंड, ठीक है। वॉल्यूम को क्या लिख दिया, एरिया इंटू हाइट, और हाइट पर सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। डेंसिटी से डेंसिटी कट गई, ऐसे यहाँ पर भी वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ए वन वी वन बराबर क्या आ गया, ए टू वी टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ए वन और यहाँ से जिस वेलोसिटी से निकला बराबर होगा ए टू जिस वेलोसिटी से निकला। तो ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू, यहाँ से पता चला कि ए वन बाय ए टू किसके बराबर हो गया, वी टू बाय वी वन, मतलब एरिया और वेलोसिटी कैसी हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर एरिया छोटा है तो वेलोसिटी तेज होगी, यहाँ से लिक्विड तेज स्पीड से फ्लो होगा, ठीक है। ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू, देख लें अच्छे से एक बार। एक तरह से और भी कर सकते हो, ये अगर मान लीजिए पार्ट है और ये पार्ट है, ठीक है, इस डिस्टेंस को टी टाइम में ट्रेवल करा वाटर ने, ऐसे ये पार्ट है और ये पार्ट है, इस डिस्टेंस को भी टी टाइम में ट्रेवल करा, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम यहाँ से पास हुआ टी टाइम में, सेम टाइम में उतना ही वॉल्यूम यहाँ से भी निकलना चाहिए, जो भी मेथड समझ में आया वो लगा लेना। जितना वॉल्यूम यहाँ आगे खिसका इतना वॉल्यूम यहाँ भी आगे खिसकेगा सेम टाइम में। वॉल्यूम वन बराबर वॉल्यूम टू, वॉल्यूम टू क्या लिखते हैं, एरिया इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, एरिया इंटू डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को वेलोसिटी इंटू टाइम लिख रहा हूँ। इसी वॉल्यूम टू इसको एरिया टू लिख देता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को क्या लिख दें, वेलोसिटी इंटू टाइम। टाइम तो सेम, जितना टाइम में यहाँ पर आ रहा है उतने टाइम में यहाँ से भी निकलना चाहिए, सेम वॉल्यूम, तो टी से टी कट जाएगा। डायरेक्ट आंसर ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू। ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब एक चीज़ के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, तुम्हें जैसे समझ में आए वैसे कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बर्नौली थ्योरम। ये भी स्टडी फ्लो के लिए थ्योरम दी गई, फ्लूड यहाँ से बिल्कुल शांत गति से बह रहा है, स्टडी फ्लो। ये एरिया है क्रॉस सेक्शन ए वन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए टू, इसका सेंटर जमीन से एच वन हाइट पर है, इसका सेंटर जमीन से एच टू हाइट पर है, हो सकता है बराबर हाइट पर हो वो भी चलेगा, लेकिन अभी ये मान रहे हैं कि दोनों अलग अलग हाइट पर हैं। बर्नौली थ्योरम बोलता है कि जब लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है ना आराम से शांति से, तो एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट, एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट इन स्टडी फ्लो, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट ऑल पॉइंट इन स्टडी फ्लो रिमेन कॉन्स्टेंट, दिस थ्योरम इज कॉल्ड बर्नौली थ्योरम, देख लें अच्छे से। डायग्राम बना लीजिए, ये तो यहाँ तक क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लें। फ्लूइड ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो करते हैं, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, वेरिएशन विद डेप्थ का एक नया तरीका सिखाया था उससे भी कर सकते हैं, कुल मिला के एच रो जी,
एयर जो प्रेशर लगाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 180 atm की वैल्यू 1.013 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। मर्क्यूरी बैरोमीटर यूज़ करते हैं इसके लिए। प्रेशर इक्वलेंट टू 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी इज कॉल्ड 1 टोर। हाइड्रोलिक मशीन जो ये फ्लूड प्रेशर पे वर्क करती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई जैसे, ब्रेक हो गई, प्रेशर पे काम करते हैं। फ्लूड जब बह रहा है इसे क्या बोलेंगे, फ्लूड डायनेमिक्स। स्ट्रीमलाइन फ्लो, ऐसा फ्लो जिसमें हर पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहे। ए पॉइंट से V1 से जा रहा है तो हमेशा V1 से ही जाएगा, दूसरा पार्टिकल भी, तीसरा भी, चौथा भी। अगर ऐसा फ्लो हो तो इसे स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो, और ऐसा ना हो तो इसे टर्बुलेंट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जब फ्लूड बहता है तो एक इक्वेशन है जो फॉलो होती है स्ट्रीमलाइन में, Area 1 × Velocity 1 किसके बराबर होता है, Area 2 × Velocity 2। इसे डेरिवेशन के दो तरीके मैंने करके दिखाए, जो भी समझ में आ जाए वो कर लें, वापस वीडियो को बैक करके वो दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। बर्नौली थ्योरम क्या है, जब स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है लिक्विड तो अंदर ही जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट बनी रहेगी। हर पॉइंट पे एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इस चीज को प्रूव करना है। चलिए करते हैं इस चीज को प्रूव। पहले देख लें, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होता है, और वर्क पर यूनिट टाइम में निकालें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम भी लगा देंगे। एक बात तो दिमाग में रखनी है, और प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया या फोर्स का प्रेशर इंटू एरिया, ये दो बातें ध्यान रखनी है। चलो अब करते हैं, कैसे करें। अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकाली थी, A1V1 बराबर A2V2 बराबर M/D, मास अपॉन डेंसिटी। चलो अब ये जो फ्लूड है, इस ए पॉइंट से आगे बढ़ना है उसको, तो कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा तभी आगे जाएगा, बाकी तो कैसे जाएगा। कोई ना कोई धक्का मारोगे तुम, पीछे से मोटर लगाओगे, कुछ भी लगाओगे। तो वर्क जो हो रहा है पर सेकेंड ए से क्रॉस होने में, उसको फॉर्मूला देख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। वर्क होता है ना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं पर सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को तो वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली वर्क डन टू क्रॉस द लिक्विड फ्रॉम पोर्शन बी इज P2A2V2, जैसे P1A1V1 आया ना, ऐसे P2A2V2। तो नेटवर्क कितना हुआ दोनों का डिफरेंस, P1 - P2 M/D डी फोर डेंसिटी, रो भी लिख सकते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या निकाला, अपन ने ये फाइंड करा कि लिक्विड को यहाँ क्रॉस होने में कितना वर्क हुआ और यहाँ क्रॉस होने में कितना वर्क हुआ, इन दो पॉइंट के बीच में वर्क का डिफरेंस निकाल लिया अपन ने। एक काम ये करा, अब देखो जब लिक्विड ये ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ रहा है, उसको क्या लिख देंगे, MgH2 - MgH1। ऐसे काइनेटिक एनर्जी में भी तो चेंज आ रहा है, ½ mv2² - ½ mv1²। अब ये वर्क जो होता है ना, वो इंक्रीज ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क जो पीछे आया उसको लिख दिया इंक्रीज ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, एम से एम हर जगह कट गया, P1/D - P2/D बराबर GH2 GH1 ½ v2² ½ v1² सॉरी, वन वाली चीजों को एक साथ ले लो, P1 GH1 ½ v1² सॉरी, टू वाली को एक साइड ले लो। जब भी 1 2 के बराबर हो, जैसे बॉयल्स में पढ़ा था P1V1 = P2V2, तो इसका मतलब ये आंसर कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये एनर्जीज ही तो है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सब एनर्जीज है, तो एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ऐसा प्रूव कर दिया। ये 1 किसके बराबर आ रहे हैं, 2 के बराबर, मतलब कांस्टेंट है ये चीज। देख लीजिए अच्छे से, डायग्राम बना लें, डेरिवेशन को देखें। A1V1 ये M के बराबर आया ना, A1V1
डी, तो ए वन वी वन को एम अपॉन डी लिख सकते हैं ना, ऐसे एम अपॉन डी पीछे लिखा हुआ है ना। देखें अच्छे से, कुछ नहीं करा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ, इसका सम ये वर्क करने के कारण ही तो चेंज हुआ, तो डब्ल्यू को इनके बराबर लिख दिया। सॉल्व करा तो वन वाली चीज़ें टू वाले के बराबर आ रही है, इसका मतलब कॉन्स्टेंट प्रेशर हाफ वी वन स्क्वायर, ये सब कॉन्स्टेंट। अगर एच वन और एच टू बराबर हो तो काट दो उनको, लास्ट में ये आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ तक आप अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिएगा। गुड बाय।